दोस्तों, मैं अनिल सैनी एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। मैं आज आपके लिए एक ऐसा इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेकर आया हूं, जिस इन्फॉर्मेशन को आप हर जगह पर यूज़ कर सकते हैं, जहां भी आप बिल्डिंग बनवा रहे हैं। क्योंकि बिल्डिंग बनवाने के लिए सबसे मेन जो हमारा मटेरियल होता है वो ईंट, सीमेंट, रोड़ी और बदरपुर होता है। तो जो इसमें ईंट है वो सबसे ज़्यादा मेन वर्क करता है। और जब हम ईंट मंगाते हैं तो हम ट्रक से, ट्रैक्टर ट्रॉली से या लॉरी से मंगवाते हैं, तो उस की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जितनी उसमें ब्रेक आती हैं वो मंगवा लेते हैं हम। लेकिन अगर हम ईंट मंगाने के बाद हमें ये चेक करना होता है कि जो ट्रॉली में या फिर लॉरी में जितनी ईंट आई हैं वो बराबर इन्होंने भेजी है हमें या नहीं भेजी है। तो आज हम जो है ईंटों की गिनती चट्टे में कैसे की जाती है, जो एक जगह हम इकट्ठा करके रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज हम सीखेंगे कि ईंटों की गिनती कैसे की जाती है। यहाँ पर कुछ ईंटें आई हुई हैं तो आज हम इनकी गिनती करेंगे, किस तरीके से ईंटों की गिनती की जाती है जब एक बार अनलोड करने के बाद चट्टे में लगा दिया जाता है। तो दोस्तों, आप ये फ्रंट साइड से देख रहे होंगे, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीन तीन ईंटों के करके हम एक ग्रुप बना लेते हैं, तो उनके ग्रुप वाइज हम नंबर काउंट कर लेते हैं। तो जब मैंने यहाँ पे काउंट किया तो ये टोटल 60 ईंट लगी हुई हैं सामने की तरफ से, तो मैंने इनको डिवाइड करके 20 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो हमने जब इस तरफ से 20 ग्रुप में डिवाइड किया, मैंने पहले ही काउंटिंग कर ली थी इसलिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। और जब मैंने इधर से काउंटिंग किया तो दोस्तों, ये वाली साइड से मैंने जब ईंटों को गिनती किया तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये भी तीन तीन ईंटों की है। तीन तीन ईंटें कैसे करके बता देता हूँ। जैसे एक ब्रिक ये लगी है तो इस पूरी ब्रिक में तीन ब्रिकें आ जाती हैं, तो हम एक ग्रुप बना लेते हैं इसको। तो यहाँ पर मैंने जब इसको इस डायरेक्शन में काउंट किया तो यहाँ पर जो है टोटल हमारे 10 ग्रुप बनते हैं। और अगर हम वर्टिकली भी देख लें तो वर्टिकली में हमारे जो हैं यहाँ पर ब्रिक के 13 ग्रुप बनते हैं। अब हम क्या करते हैं, जब ये हमने तीनों डायरेक्शन से हमने जब इनको क्यूबिकल शेप बन जाती है तो इसको काउंट कर लेते हैं, और काउंट करने के बाद इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर जो हमारी ब्रिक आई थी ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है सामने से ये 10 आ रही है, वर्टिकल 13 आई हुई है, और जो हमने उस तरफ से फ्रंट से लंबी साइड जो थी उसमें 20 आ रही। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये लगभग हमारी 7800 ईंटें निकल के आ रही हैं। 7800 कैसे आएंगे, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 13 मल्टीप्लाई 20 और मल्टीप्लाई 10, तो जो भी कैलकुलेशन होगी उसके बाद उस कैलकुलेशन को करने के बाद आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जब इनके ग्रुप बनाए थे तो तीन तीन ईंटों का ग्रुप बनाया था। तो ये हमारी टोटल जो है 7800 ईंटें आ रही हैं। अभी आप ये जो देख रहे हैं ऊपर जो दो लाइनें एक्स्ट्रा लगाई हुई हैं, ये वाली जो दो लाइन है, एक ये और एक ये, इनमें 180 ईंट हैं, क्योंकि ये दो लाइन है और एक लाइन में 60, तीन लाइन लगी हुई हैं, दो नहीं है सॉरी, तीन लाइन है और तीनों लाइन में 180 ईंटें हैं, और थोड़ी सी ईंटें उधर रखी हुई हैं जो कि लगभग 20 ईंटें हैं। तो टोटल ये हमारी जो है रात ही मंगाई गई हैं, तो 8000 ईंटें यहाँ पर हमने काउंट कर लिया। इसी तरीके से आप ट्रैक्टर ट्रॉली से आई हुई ईंटें भी काउंट कर सकते हैं। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आपको वीडियो में, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बाउंड्री वर्क हो रहा है, तो जैसे जैसे वर्क होता रहेगा तो मैं आपको उसकी सारी डिटेल आपको बताता रहूँगा। जैसे जैसे भी यहाँ पर जो जो भी बाउंड्री वर्क के लिए जो जो स्टेप फॉलो किए जाते हैं, अभी फ़िलहाल में देखिए यहाँ पर एक बाउंड्री वॉल जो बन रही है वहाँ पर भी ईंट रखी हुई हैं, और उधर देखिए वहाँ कोने में चिनाई का काम हो रहा है, ये देखिए। और बाकी इस तरफ जो है ये काम हो चुका है बाउंड्री वॉल का, इधर से देखिए काफ़ी लंबी, यहाँ देखते हैं हम, वो देखिए वहाँ पर काफ़ी दूर तक जो है बाउंड्री वर्क का काम था जो कि लगभग इस तरफ कंप्लीट हो चुका है। और ये देखिए इसमें काफ़ी हैवी कॉलम बनाए गए हैं, इसकी फुटिंग भी काफ़ी हैवी है, और ताकि फ्यूचर में ये दीवार गिरे ना, एक बीम
ग्राउंड लेवल पर डाला गया है, एक लगभग 5 से 6 फीट ऊंचाई पर डाला गया है। और देखिए अभी इधर होना बाकी है, इधर खुदाई हो रखी है। जैसे जैसे यहाँ खुदाई होगी और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको देता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, एक बार फिर कहना चाहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करते रहिए, जिससे कि मैं आगे आने वाली वीडियो भी आपके लिए लाता रहूँ। धन्यवाद।